1 किलोमीटर वाले बच्चे तैयार हो जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, ठीक है? फिजिकल क्लियर? क्या फिजिकल क्लियर? अब मेरी बात सुनो, वर्कआउट मैंने तुम्हें दे दिया, रूटीन बना के मैंने तुम्हें दे दिया, पर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, मेरे से ट्रेनिंग ले लो। सबसे पहली चीज़ तो यही, मस्त प्रैक्टिस कराऊंगा ऑनलाइन ही, वर्कआउट दिया करूंगा, शेड्यूल दिया करूंगा, पर पहले ही बता दूं मेरी फीस है उसकी 500 रुपीज़। पर हाँ, रिजल्ट की गारंटी है, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट चेक लेना। सबसे पहली बात यही ख़त्म कर दी मैंने। दूसरी बात, 1 किलोमीटर ना एक ऐसी दौड़ है जिसमें स्टेमिना स्पीड का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तुम्हारी स्पीड नहीं है ना, तुम्हारे अंदर कितना भी स्टेमिना हो नहीं बढ़ पाओगे। स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 किलोमीटर रनिंग नहीं है कि भाई थोड़ा सा स्लो कर लोगे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है? तो वो सिस्टम लियो, इसमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक उठाते हुए चलना है। मानता हूँ कि हार्ड हो जाता है, हर चीज़ आसान नहीं होती, पर यार मुश्किल भी नहीं है मेरे भाई, मुश्किल भी नहीं है। अब वही कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो अक्सर एथलीट इस चीज़ को छुपाते हैं। अक्सर एथलीट इस चीज़ को छुपाते हैं कि भाई कैसे इम्प्रूव करी जाती है रनिंग, कैसे वो इतना ग्रोथ मार जाते हैं, कैसे वो रनिंग में इतना पंप मार जाते हैं। अब मेरे को आइडिया नहीं है तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, पर मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम भी है ना, तो तुम इसको जो मैं बताने वाला हूँ ना आगे वो अपना लोगे ना, तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले कभी भी ना एक एथलीट से तुम पूछोगे या एक जिमर से तुम पूछोगे जो जिम वगैरह करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, किसी से भी पूछोगे, पहलवानी जो करता है, किसी से भी पूछोगे ना, वो डाइट को इतना टाइट लेके चलते हैं ना, डाइट के पीछे इतना रूटीन बना के चलते हैं ना, वहीं से उनकी पंप होती है। पहले इस वीडियो को, अब मेरे को पता है कुछ डाइट के नाम से सुन के स्किप कर देंगे, पर जो ही वीडियो देख जाएगा ना भैया, कमाल हो जाएगा उसके लिए। एक छोटी सी पहले चीज़ बता देता हूँ, एक बार मेरे दोस्त का गेम था, उसने 10 दिन में इतना अच्छा डाइट लिया ना, मानता हूँ कि 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, पर 10 दिन का रूटीन इतना अच्छा चेंज करा था ना हमारे सामने, क्योंकि हम साथ में रहते थे रूममेट पहले, अभी तो इतनी अच्छी डाइट ली थी ना, कमाल कर दिया था। आगे मैं और पॉइंट बताऊंगा। अब वो डाइट क्या थी वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो इस वीडियो के यहाँ तक आ गए ना, वो 10 दिन 15 दिन या 5 दिन में थोड़ा सा इस चीज़ को अपना लेंगे ना, गारंटी फिजिकल लग जाएगा यार, तो मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, तो मैं खुद लगेगा हाँ भाई पंप है, पहले से अच्छा लग रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, रनिंग हमेशा जब ही हो सकती है जब तुम्हारी बॉडी में जान हो, तुम्हारी बॉडी में पावर हो, तुम्हें थकावट ना हो, तुम एक्टिव हो, जब ही तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, जब ही तुम्हारी रनिंग होगी। अब तुम्हें आ रहा है आलकस, तुम्हारी बॉडी रिकवर ना हुई कल के वर्कआउट से, चाहे कितना भी जोर लगा लेना, 200 मीटर पर ही भर जाओगे, समझ गए? अब मेरी बात सुन लो, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्लियर करते आऊँ। पहला, सबसे पहला रूटीन क्या था? नारियल पानी। नारियल पानी यार एक ऐसी चीज़ है ना जो बॉडी को इतना स्मूथ चलाएगी, तुम्हारे 10 दिन 5 दिन भी अच्छे से फॉलो कर लोगे ना। अभी रूटीन में बताऊंगा नारियल पानी कब कब कितना कितना पीना, रूटीन बना लोगे ना। हम अपने रूम में घुसते थे ना, नारियल नारियल ही पड़े होते थे, ठीक है? अब बताता हूँ कैसे। फ्रेश होने से पहले नारियल, ठीक है? वर्कआउट से वर्कआउट पे जाने से 20-25 मिनट पहले नारियल, वर्कआउट के 20-25 बाद, मतलब 20-25 बाद मिनट नारियल, क्योंकि 20 वर्कआउट होने के बाद तो हल्के फुल्के टाइट लेते हैं, फिर उसके 20-25 बाद मिनट नारियल, फिर 12, 1 या 2 बजे के आसपास नारियल, और एक फिर शाम को। 4 या 5 तो नारियल रखने पड़ेंगे, 4-5 दिन की तो बात है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है भाई 20-25 दिन टाइम है, 10 दिन टाइम है, 15-20 दिन टाइम है, तो एक दिन में 2 या 3 नारियल रख लो, एक एक तो रखो, मिनिमम रखो। मैं मानता हूँ बहुत ऐसे होंगे जो खर्चा नहीं कर पाएंगे, पर एक तो रख सकते हो, मेरे ख्याल से 5-10 दिन एक एक नारियल रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सबसे पहला रूटीन यही हो गया। अब दूसरा, वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता था। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे बॉडी में जितना परसेंट खून होगा ना, उतनी ही तुम्हारी थकावट कम होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी भर जाती है, बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन 11-12 के आसपास है, और उसका पता कितना रहता था? 16-16-16%। अब वो क्या क्या करता था हीमोग्लोबिन के लिए? दिन में 1 या 2 चुकंदर खाता था,
अनार खाता था, 2 से 3 अनार खाता ही खाता था, दही कर्ड का यूज़ करता था, कर्ड में अनार मिला के जब खाता था, स्वाद का स्वाद हो गया, डाइट की डाइट हो गई, लो कर लो बात। और तो ये बोलते हैं ना घी घी खाना चाहिए, मेरे भाई घी अलग चीज़ हो जाती है, घी फैट बढ़ाता है, कैसा भी घी ले लो घी फैट ही बढ़ाएगा, घी छोड़ दो 10-15 दिन बिल्कुल छोड़ दो, हाथ भी नहीं लगाना घी को, रोटी पे भी नहीं चिपड़ना, ठीक है, फिर देखो तुम्हारा वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्पीड आएगी। जब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो तुम वेट उठाओगे, एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वीडियो भले लंबी हो जाए तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा, तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी, ध्यान से समझ लेना बस, इसलिए मैं बहुत आराम से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी कोई शौक नहीं है बैठ के वीडियो लंबी करने का, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, क्या है, तुम मान लो 100 kg का वेट उठाया, और जैसे तुम 90 kg का वेट उठाओगे ना, तो तुम्हें बहुत 90 kg का 1 kg भी कम कर दोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे कितना आसान है, ठीक है। सेम ऐसी बॉडी का है, बॉडी में जैसे थोड़ा बहुत वेट कम होता है ना, बॉडी भगती है तेज, एक तो पहले भग रही थी वो 60 kg वेट लेकर भग रही थी, और जैसे 58-59 हो जाता फिर उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, कॉमन सेंस है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तुम बताओ, ठीक है। तो सेम क्या करना है, घी नहीं खाना, अब फैट तुम्हारा बढ़ेगा नहीं घी नहीं खाओगे, वर्कआउट तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारी जो है जान बाहर आ जाती है, तो सिंपल सी बात है वेट तो अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाएगा। हमें वैसे नहीं गया ना, खाना छोड़ गए, रोटी खाओ अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी खाओ अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन हमें जो है घी छोड़ना है जो फैट ना बढ़े, रोटी तो हमारी निकल जाएगी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ये रूटीन ध्यान रखना। दूसरा क्या, वर्कआउट से 5-10 मिनट पहले अंजीर खाओ, अंजीर, वर्कआउट के बाद बादाम का दूध, ठीक है, पियो। एक और चीज़, रोटी सब्जी से ज़्यादा सलाद का सेवन करो, एक पूरी प्लेट सलाद से भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें टमाटर थोड़े कम होने चाहिए, टमाटर कम रखना, चकुंदर प्याज और जो और चीज़ें हैं सलाद में, उन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हो, ठीक है। आपको चकुंदर खाली खाने की ज़रूरत नहीं है, आप रोटी के साथ खा लो, सबसे बढ़िया चीज़ है, बिना खाए खाए एनर्जी नहीं आएगी। अब जो यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, उन्हें एक लास्ट टिप और बता दूँ, बहुत कड़ी चीज़, आप जो है ना जितने भी अब यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हो, बस ख़त्म कर दी मैंने वीडियो, जितने भी यहाँ लास्ट तक देख रहे हो ना, एक चीज़ का ध्यान रख लेना, वर्कआउट जो है 10-15 दिन जितने भी बचे ना, डेली 200 मीटर की रेपिटेशन जरूर लगानी है, डेली वर्कआउट तो अपना करना ही करना है, जैसा तुमने सोचा 1 किलोमीटर लगा ली, 400 मीटर लगा ली, वो अलग है, उसके होने के बाद 200 मीटर की 2 या 3 रेपिटेशन जरूर लगानी है, स्पीड बढ़ा देगा, क्या बढ़ा देगा, स्पीड, ठीक है। 200 मीटर की रेपिटेशन तो जरूर लगानी मेरे भाई, 200 मीटर की रेपिटेशन, ठीक है, ध्यान रखना बस इतनी टिप, गारंटी के साथ 1 किलोमीटर तुम ऐसे भागोगे घोड़े की तरह, मानता हूँ 10 दिन में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, पर आएगा, कुछ तो आएगा, यहाँ से हाथ तो उठोगे, यहाँ ना उठने की वजह हाथ तो उठोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा तुम्हारी तैयारी, और कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ मैसेज कर दो, 100% रिजल्ट की गारंटी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।